अनेक दशकों से हमारी माताएं बहनें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की आस लगाए बैठी थी। माताओं बहनों की ये उम्मीद किसने पूरी की? माताओं बहनों की उम्मीद किसने पूरी की? किसने पूरी की? किसने पूरी की? ये आप मुझे बताइए, किसने महिलाओं को आरक्षण दिलवाया? महिलाओं को आरक्षण किसने दिलवाया? आपका जवाब गलत है। ये मैंने नहीं किया है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है जिसने करके दिखाया है। आपके एक वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की कभी नियत नहीं थी कि वो देश की महिलाओं को सशक्त करें। जो कांग्रेसी आज महिला आरक्षण की बातें कर रहे हैं, ये काम वो 30 साल पहले कर सकते थे, जब जब मौका मिला तब कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज भी अगर ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में आए हैं तो मन से नहीं आए, बल्कि ये आप सभी बहनों के दबाव के परिणाम सीधी लाइन में आए हैं। और इसलिए मेरी माताओं बहनों, आपको याद रखना है, मेरी हर बहन बेटी को याद रखना है, कांग्रेस और उसके घमंडिया साथी महिला आरक्षण के घोर विरोधी है। नारी को सशक्त करने के इतने बड़े फैसले को भी वो भटकाने में लगे हैं। जिन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ये बिल रोका था, कांग्रेस के वही साथी उस पर अभी भी दबाव बना रहे हैं। इसलिए राजस्थान की बहनों को, देश की बहनों को बहुत सतर्क रहना है।